कर्नाटका के हालात जो बद से बदतर हो गए हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी का और मिस्टर रहीम खान का क्या स्टैंड है, ये वाजे होना चाहिए। मेमोरेंडम देना एक छोटे मोटे संगठन या दूसरे कोई भी एक आम समाज सेवा करने वाले सोशल वर्कर्स का काम होता है। आपको जब असेंबली में हम इलेक्ट करके भेजे हैं तो आपका काम है वो इशूज़ को असेंबली में उठाना। असेंबली की आवाज़ ऑन रिकॉर्ड होती है और उसके ऊपर गौर करना और हुकूमत को अमल करना लाजमी होता है, लेकिन वो नहीं करते। ये सिर्फ दिखावा है उनका। जितने मर्तबा वो लोग इंचार्ज मिनिस्टरों से गए, कहाँ कहाँ गए, स्पीकर्स के पास गए, भाई मेमोरेंडम क्यों दे रही, आप असेंबली को हिलाने वाले थे। असेंबली हिलाने की वजह आप क्या है, अंताक्षरी खेलते बैठेंगे आप वहाँ पर जाके। हमारी बिखा का मसला है और आप लोगों को गाने सूत रहे हैं आपकी पार्टी को। 2018 के बाद से जो बीच में तो लॉकडाउन है, लोगों की तकालीफ को सुनने के लिए कभी वो बाहर नहीं है, या ये मस्जिद कमेटियों को या अपने हवारियों को उसका इस्तेमाल नहीं करें कि जाओ लोगों के अहवाल पूछो उनकी क्या तकलीफें हैं मैं दूर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करें। फिर भी बहरहाल कल जब यहाँ बैठकर वो लोगों से जायज़ा ले रहे थे और अपने सो कॉल्ड डेवलपमेंट, मैं तो कहूँगा डेवलपमेंट फेक डेवलपमेंट ऑन परसेंटेज, इन अपने डेवलपमेंट की वाहवाही लेते बातें सुनाते बैठे थे। मैंने उनसे चंद गुजारिशात सवालात किए जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आए माए छाए टाल मटोल का मुजाहरा करें, जिसमें मेरा पहला सवाल था कि कर्नाटक के इन हालात, आज के जो हालात हो गए हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है। और कांग्रेस पार्टी ख़ास करके हमारे बीदर के MLA रहीम खान साहब, मैंने मास मीडिया के और तकरीबन चैनल्स के माध्यम से सुना था कि वो हिजाब के इशू पे असेंबली हिला देंगे बोल के। तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया, क्या साहब आपने हिजाब के मसले पर बात की क्या असेंबली में? भाई मिर्जा साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हमारा मकसद बीदर की आवाम को एक दावत फिक्र देना है कि इस माह मुकद्दस में कल रात एक वाकया जो हमारे साथ पेश आया, कल मैं नमाज तरावी मस्जिद बिलाल मैलूर में अदा किया, वहाँ पे हमारे बीदर शहर के नॉर्थ MLA अली जनाब रहीम खान साहब नमाज अदा करे। मैं कल ये देखकर चौंक गया कि 2018 के बाद से मैं उन्हें पहली दफ़ा हमारी मस्जिद या हमारे मोहल्ले में देखा हूँ। बीच में एक आध बार इलेक्शन में आए होंगे म्यूनसिपलिटी वगैरह, लेकिन आज अचानक मुसलमानों की या हमारे मोहल्ले की या मसाजिद की याद उनको कैसे आने लगी, क्योंकि इस रमज़ान माह मुकद्दस में वो लोग जगह जगह एक एक मस्जिदों में सेलेक्ट करके नमाज अदा कर रहे हैं और अहवाल पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करूँगा, मेरे दिल में ये जो सवाल थे रखने के लिए उनसे बात किया कि 2018 के बाद से जो बीच में तो लॉकडाउन है, लोगों की तकालीफ को सुनने के लिए कभी वो बाहर नहीं है, या ये मस्जिद कमेटियों को या अपने हवारियों को उसका इस्तेमाल नहीं करें कि जाओ लोगों के अहवाल पूछो उनकी क्या तकलीफें हैं मैं दूर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करें। फिर भी बहरहाल कल जब यहाँ बैठकर वो लोगों से जायज़ा ले रहे थे और अपने सो कॉल्ड डेवलपमेंट, मैं तो कहूँगा डेवलपमेंट फेक डेवलपमेंट ऑन परसेंटेज, इन्होंने अपने डेवलपमेंट की वाहवाही लेते बातें सुनाते बैठे थे। मैंने उनसे चंद गुजारिशात सवालात किए जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आए माए छाए टाल मटोल का मुजाहरा करें, जिसमें मेरा पहला सवाल था कि कर्नाटक के इन हालात, आज के जो हालात हो गए हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है। और कांग्रेस पार्टी ख़ास करके हमारे बीदर के MLA रहीम खान साहब, मैंने मास मीडिया के और तकरीबन चैनल्स के माध्यम से सुना था कि वो हिजाब के इशू पे असेंबली हिला देंगे बोल के। तो मैंने उनसे पहला सवाल यही किया, क्या साहब आपने हिजाब के मसले पर बात की क्या असेंबली में? उन्होंने उसका कोई खुल के जवाब नहीं दिया, बोले हमने मेमोरेंडम दिया, हम फलां करें, ये करें, वो करें। मैं कहता हूँ कि भाई हम मेमोरेंडम को देने के लिए कोई संगठन के आदमी तो नहीं है कि एक संगठन वाले हैं मेमोरेंडम दिए काम चल गया। आप एक इलेक्टेड MLA हैं, आप असेंबली में अपनी आवाज़ राइज करते हैं तो वो इशू ऑन रिकॉर्ड होता है और उस पर गौर होता है, सारी दुनिया में उस पर चर्चा होता है, लेकिन हमारे मुसलमानों के इशू ये लोग उठाने से खासिर हैं, जबकि ये लोग मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के नाम पे टिकट लेते हैं,
और मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के वोट लेकर जीतते हैं, लेकिन मुसलमानों के इशू उठाने से ये लोग कतराते क्यों हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कल मस्जिद में ये जवाब देने से मुझे टालमटोल करे और खासी रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड आज उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये और इनकी पार्टी क्यों असम्बली में हिजाब का इशू हो, या उसके बाद आज जो मीट का इशू आया, उसके बाद मुस्लिम ताजिरों के बायकॉट का इशू आया, फिर माइक का इशू आ गया मस्जिदों पे से, टारगेट क्यों बना रहे हैं भाई? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों को टारगेट बना के ये हुकूमत, हिंदुत्ववादी हुकूमत मुसलमानों पे हमले कर रही है, उनको नए नए कानून, नए नए बातें लाकर उनको परेशान कर रही है, तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ कि इन सब की जिम्मेदार सबसे पहले ये बीदर के MLA या इनकी पार्टी, रहीम खान साहब की पार्टी, कांग्रेस जैसे लोग हैं, क्योंकि कर्नाटक में हुकूमत BJP आने की वजह यही कांग्रेस पार्टी है। अगर इनके दगाबाज जो मुसलमानों के और सेकुलर लोगों के वोटों को दगा करके उनके वोट लेकर जाकर BJP में ज्वाइन हो गए, आज वो BJP में ना जाते तो ये BJP हुकूमत बनती नहीं थी और ये माहौल क्रिएट होता नहीं था। ये लोग खुदगर्ज हैं और मफाद परस्त हैं। ये लोग अपने मुसलमानों के सेकुलरिज्म के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के इशू राइज नहीं करते। आज देखिए, पिछले दिनों जो रामनवमी की जो यात्राएं शुरू हुई, हिंदुस्तान के 7 स्टेट्स में मामला और हालात बिगड़ गए। इस पर कोई सो कॉल्ड सेकुलर आदमी या हमारे कर्नाटक के हो या बीदर के या कोई भी हो, उन लोगों ने अपनी आवाज़ राइज नहीं करी। क्यों नहीं करी? आज MLA साहब बहुत जल्दी आते हैं, अब आज उनको याद आ गया बीदर के मुसलमान याद आ रही हैं उनको, क्यों नहीं है भाई? जो दो लॉकडाउन गुजर गए, तकलीफ से गुजरे लोग, ऐसे बहुत से इशू हैं। इन्होंने अपने आप को मिस्टर डेवलपमेंट बोलते हैं, मैं दवाखाना बना दिया, मैं 200 करोड़ लाया, इनके 200 करोड़ का भांडा फुटता आप सिविल हॉस्पिटल जाके देख लो। अगर मुसलमान फॉर्म जब इनको जिताती है, आप गौर करके देखिए, अदर कम्युनिटीज़ के जो भी लीडरान हैं, वो लीडरान अपनी कम्युनिटी की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, अपनी कम्युनिटी को जो भी परेशानी आती है उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं वो लोग, तो ये लोग क्यों नहीं उठाते? अगर ये लोग, अगर इनकी पार्टी, मैं यहाँ तक ये देखा कि एक इनका MLA आवाज़ उठाने गए मिस्टर ज़हीर अहमद खान, तो उनको शोकास नोटिस इशू हुई। तो ये क्या, ये कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोट होना और मुसलमानों के इशू ये लोग नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? तो ये काबिले गौर है और काबिले फिक्र है, कि फिक्र करने की हमें ज़रूरत है कि ऐसी पार्टियों को हम वोट देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, बाद में ये लोग खामोश बैठ जाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और इनके हवारी जो कुछ अपने आप को चंदे या अपने आप को फंड या अपने आप को ग्रांट हासिल करने के लिए इनकी चापलूसी करते हुए टेंडर्स लेने के लिए ऑन परसेंटेज ये लोग इनके दबाव में रहते हैं और इनकी चापलूसी और खुशामद करते हैं। ये लोगों के धोखे में आने की बजाय मैं आवाम से कहूँगा कि आप अब गौर करने की ज़रूरत है। ये दावत फिक्र दे रहा हूँ कि मैं ऐसे सियासी जो कायदीन हैं जो हमें सिर्फ वोट की हद तक इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो हमें भूल जाते हैं, ऐसों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आज क्यों रमज़ान में याद आ रहा भाई? रमज़ान ऐसे इन्हों एडवांटेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिदों के दौरे इनके ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट हैं। क्यों? जैसे उन्हों किसी गणेश विसर्जन में जाके नाचना, किसी की जयंती पे जाके नाचना जैसा है ना, तो ये मस्जिदों में आकर पूछना भी इनका वही सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। कोई मुसलमानियत बताना नहीं है इनका यहाँ पे ऐसे दौरे करना। मैं इनसे कहता हूँ कि अगर वो हकीकत में अपने हमारे एक बीदर के मुखलिस और सच्चे कायद हैं, तो आप ये आवाज़ उठाएंगे कि आप ये जो वेंडर्स के ऊपर जो हमले हुए कर्नाटक में, उस पर आवाज़ उठाइए। आप जवाब नहीं दे रहे, खुल के जवाब नहीं दे रहे, ऑन रिकॉर्ड आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, असेंबली में बोलने के लिए प्रोटोकॉल होगा, कुछ लोग बोल सकते हैं। आप मीडिया की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कल ये लोगों का सिर्फ कंडेम करके बताइए हमें कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी मजम्मत करके बताइए। आप में वो गट्स नहीं है, आप ये लोगों की मजम्मत तक नहीं कर सकते, आप उससे बात तक नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं करते भाई? आपको इशारा नहीं मिलता, आपको ऑर्डर नहीं मिलते अपनी जमात की तरफ से कि सिर्फ इलेक्शन में मुसलमानों को जज्बात में आना, और इन माहौल का भी फ़ायदा इनको भी हो रहा है। ये जो कर्नाटक के जो माहौल के जो हालात जो पैदा हो रहे हैं, उसका एडवांटेज कांग्रेस और BJP दोनों उठा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन मोटिव है। कि जैसा इनको फ़ायदा ये होता है, इन्हों हिंदुत्व के नाम पर एक लोगों को अलग कर रहे हैं, और इनको ये मौका मिलता है कि देखो BJP आई तो तुम्हारे लिए तकलीफ होती है, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे ठेकेदार हैं, हम तुमको बचाते हैं। सिर्फ इलेक्शन की हद तक बात करते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं करते हमारी। क्यों नहीं करते भाई ये लोग? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से इशू हैं, इन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट, मिस्टर डेवलपमेंट बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ फेक डेवलपमेंट है इनका।
ऑन परसेंटेज चल रहा है। एमएलए साहब का कहना है महीनों के अंदर 10 बोरवेल मारे बोलते बोलो उन्होंने 8000 के चक्कर में उनको बोले 10 बोरवेल मारे इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए बोर मारे उन्होंने, उनके ऊपर ये केस भी चल रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी सुनवाई होंगी। लेकिन उस उन बोरवेल पे क्या मोटर बैठे क्या वो पूछो उनको पहले। ये पब्लिक को सिर्फ धोखा देते हैं, फेक डेवलपमेंट होता है इनका, काम की सिर्फ शुरुआत और फाउंडेशन लिए इनकी उनकी वीडियो और फोटोज आते हैं, उसके बाद कोई काम कंप्लीट को नहीं होता उनका। तो आपके एरिया में 2 करोड़ का काम नहीं हुआ बताइए, अगर काम हुआ है तो बताइए। उनका कहना है कि पूरे 35 वार्ड में 2 करोड़ का काम करा है। ग्राउंड पे होना चाहिए ना, जबान से न बोली 200 करोड़ खर्च करके मगर ब्रिम्स हॉस्पिटल को डेवलप कर दिया बोल के बता 20 करोड़ से रोड बनाए बोले पेवन लगा के गए मेन रोड को परसों। उनके वादे सिर्फ खोखले होते हैं, जाके ब्रिम्स हॉस्पिटल देखो ना 200 करोड़ रुपए लगाए बोल के बोली कोई एक सेहतमंद इंसान अगर हॉस्पिटल में किसी बीमार को देखने जाता है तो बिल्कुल उन्हें बीमार होकर वापस आता। इनका ये डेवलपमेंट है भाई, डेवलपमेंट की बात, मेरा ये मुद्दा है कि डेवलपमेंट तो हम अवाम टैक्स पेड करती है, डेवलपमेंट ऐसे वैसे होना ही है होएगा, लेकिन ये माइनॉरिटी के नाम पर जीत कर जाने वाले, माइनॉरिटी के वोट से जीत कर जाने वाले लोग मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ के इशू क्यों राइज नहीं कर रहे हैं? आज कर्नाटक का कांग्रेस क्यों खामोश है कर्नाटक के इन हालात के ऊपर, मुझे जवाब चाहिए। और मैं खास करके क्योंकि मैं बिदर से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पूरे कर्नाटक की या सिद्धरामैया डी के शिवकुमार से सवाल करने का मैं नहीं चाहता, मैं सवाल करूँगा सिर्फ मिस्टर रहीम खान से, क्योंकि मैं भी खुद उनका एक वोटर हूँ, मैंने भी उनको वोट किया है, मैं हक से उनको सवाल पूछ रहा हूँ। और क्यों कल टालमटोल कर दिया उन्होंने, आई एम आई शेखर के वापस चले गए, आज मुझे उनको जवाब देना होगा और ऑन रिकॉर्ड। बीदर में ऐसा, खास करके मैं मैलूर की बात करूँगा, मैलूर में बहुत डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उन्होंने, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर बाजू इनकी या इनके पार्टनर्स की किसी की ज़मीन है तो कब्रिस्तान की भी ज़मीन उसमें आती है, काबिज बैठे हैं उसका कुछ नहीं, वो ज़मीन वापस देना चाहिए कब्रिस्तान को। मौलाना आज़ाद स्कूल मैलूर को अलाट हुआ बोल के बोले 2 करोड़ रुपया है फलाएँ, खाली हवा में बातें हो रही हैं, स्कूल नहीं है। मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहा है बोल के बोले, ना बिल्डिंग है ना स्टाफ है ना कुछ है मैलूर में, कहाँ का डेवलपमेंट? इन्हों अपने आप को डेवलपमेंट बहुत बोलते हैं, 1 करोड़ रुपये 100 करोड़ आया 1000 करोड़ रुपये लाया, खाली बातें हैं इनकी। ठीक है इन्हों ला रहे भी होंगे, क्या कर रहे हैं कि भला आलम, मेरा आज का इशू है आज जो कर्नाटका के हालात जो बद से बदतर हो गए हैं इस पे कांग्रेस पार्टी का और मिस्टर रहीम खान का क्या स्टैंड है, ये वाजे होना चाहिए। मैं वो सवाल करने के लिए आज बुलाया हूँ। वो किसी पार्टी पे बात नहीं करते, जो पार्टी उनके खिलाफ जाती है उसके खिलाफ जाकर मेमोरेंडम सीएम को देते हैं, तो ये सही है या गलत? साहब देखिए, मेमोरेंडम देना एक छोटे मोटे संगठन या दूसरे कोई भी एक आम समाज सेवा करने वाले सोशल वर्कर्स का काम होता है। आपको जब असेंबली में हम इलेक्ट करके भेजे हैं तो आपका काम है वो इशूज़ को असेंबली में उठाना, असेंबली की आवाज़ ऑन रिकॉर्ड होती है और उसके ऊपर गौर करना और हुकूमत को अमल करना लाजमी होता है, लेकिन वो नहीं करते, ये सिर्फ दिखावा है उनका। जितने मर्तबा वो लोग इंचार्ज मिनिस्टरों से गए, कहाँ कहाँ गए, स्पीकर्स के पास गए, भाई मेमोरेंडम क्यों दे रही? आप असेंबली को हिलाने वाले थे, असेंबली हिलाने की वजह आप क्या है अंताक्षरी खेलते बैठे हैं आप वहाँ पे जाके, हमारी विखा का मसला है और आप लोगों को गाने सूत रहे हैं आपकी पार्टी को, हमारे पहचान पे ऊपर, हमारे खाने के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारी मसाजिद पे ऊपर, हमारे मदारिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और हमको इंडिविजुअल टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर मुसलमानों को, और यह आप लोग क्या मालूम है झूठे सेकुलरिज्म का बहाना बना के, नहीं नहीं पीसफुल है सब पीसफुल है, कुछ पीसफुल नहीं है। आपकी पार्टी कांग्रेस नहीं है, कांग आरएसएस है, अंदर से ये लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं कि तुम इशू राइज करो हम मुसलमानों को लेंगे तुम हिंदुओं को लियो, यही बात हो गई उनकी कि इन्हों बीजेपी से डराकर मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन गए। बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों के इशू, क्योंकि अगर मुसलमानों अगर उनको चाहिए होता तो ना जब मिस्टर जमीर अहमद खान जब आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको शोकस नोटिस इशू नहीं होती थी। अगर कर्नाटक के मुसलमान आप देखिए उन्होंने आने से रोके या नहीं आने के लिए कहे जो भी कहे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूरंदेशी का मुजाहरा करी, जनता दल सेकुलर कुमार स्वामी को सपोर्ट करी और वो सीएम भी बने,
इलेक्शन कंटेस्ट न करते हुए मजलिस ने तायद की और गवर्नमेंट बनी सेकुलरिज्म सेकुलर पार्टियों की, लेकिन उन गवर्नमेंट को उस गवर्नमेंट को धोखा किसकी तरफ से मिला? ज़रूरत नहीं है बोलते ज़मीर अहमद खान भी, ज़रूरत नहीं है बोलते, रोशन बेग साहब भी बोलते, सब बोलते। आज मैं कहूँगा कि कुछ सियासी लीडर हैं यहाँ के कनाडा का के, यहाँ तक के कह दिए थे कि अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हशर में सवाल होगा। मैं उनसे पूछूंगा कि आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाई तो आपसे हशर में सवाल होगा कि आपकी कौम के ऊपर भलाई थी, आप क्यों आवाज़ नहीं उठाए बोलते हैं।